रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे वी शैल डिस्कस एसएसटी सोशल स्टडीज एंड आवर चैप्टर इज ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आज ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव एवरी काइंड ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। यानी पाकिस्तान दुनियाभर के मालिक में है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर इसकी साफ इसकी जमीन हर तरह से अल्लाह ताला ने हर दिन से नवाजा है। उसी एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे पहाड़ है, माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स, डेजर्ट, रेनफॉल एक्सेट्रा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर तरह की चीजें हैं। ठीक है, पाकिस्तान है मेनली थ्री ज्योग्राफिकल रीजन, ये इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। नॉर्दर्न हाईलैंड, जिसके नॉर्दर्न हाईलैंड है, और उसका टॉपिक हम उसके बारे में पढ़ेंगे, हिमालय रेंज के बारे में। ठीक है, इंडस रिवर प्लेन, पहले हम इंडस रिवर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टेरिटरीज, उसके मामा, उसके मददगार। नंबर थ्री, बलोचिस्तान प्लेट्यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्दर। पॉइंट नंबर वन, हिमालय रेंज। हिमालय रेंज इज द हाईएस्ट रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय रेंज जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा रेंज है। ठीक है, इट स्ट्रेच, ये फैला हुआ है फ्रॉम पाकिस्तान टू भूटान, पाकिस्तान से लेकर भूटान तक। ये सिलसिला हिमालय का पाकिस्तान से लेकर भूटान तक है। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, दुनिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द रेंज। और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये भी कहां पर है? हिमालय रेंज में है। ठीक है बच्चों, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द रेंज। और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये भी कहां पर है? हिमालय रेंज में है। ठीक है बच्चों, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिस रेंज। जी, जो माउंट एवरेस्ट जो सी है, ये भी हिमालय रेंज में मुंसलिक है। ठीक है, इसके अलावा बड़े नागा पर्वत, वो भी छोटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ही है। ठीक है, इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का लंबा तरीन दरिया है। इट इज अबाउट 3200 किलोमीटर लॉन्ग, ये 3200 किलोमीटर लंबा है। इट स्टार्ट फ्रॉम द हिमालय माउंटेन नियर द लेक पाल मानसरोवर इन तिब्बत एंड फॉल्स इन इट इन टू अरेबियन सी एट द एंड। ये कहां से, ये जो कहां से माउंट हिमालय माउंटेन से शुरू होते हैं, जो एक लेक है, नदी है, कार मानसरोवर है, जो कहां पर है? तिब्बत में। ठीक है, एंड फॉल्स इट इन टू अरेबियन सी, और ये जो है अरेबियन सी में गिरता है आखिर में जाकर। ठीक है, अगला है टेरिब्यूटीज। टेरिब्यूटी किसे कहते हैं? मावन मददगार, जो बड़े इसकी मददगार कहते हैं, हम क्या कहते हैं? टेरिब्यूटीज। इंडस रिवर है मेनी टेरिब्यूटीज इंक्लूडिंग अदर ग्रेट रिवर्स सच एज जेहलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज मीटिंग इंडस रिवर एट अ प्लेस कॉल्ड पन्नर। यानी ये रिवर इंडस जो सी है उसमें शामिल होते हैं दूसरे रिवर की, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, और ये कहां पे चलती है? इंडस रिवर में आखिर में आकर जैसे जब पांच दरिया में मिल जाते हैं, इसे कहते हैं पन्नर, पांच दरियाओं की सरजमीन, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब में है। ठीक है, बलोचिस्तान प्लेट्यू। बलोचिस्तान प्लेट्यू हैज अनइवन लैंड, अनइवन एक ऊंची नीची, हम मार नहीं है, ये ऊंची नीची है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो जरात के लिए ठीक नहीं है, एंड कल्टीवेशन और कास्ट के लिए। देखें, जब हम कभी कास्ट करते हैं, देखा होगा गांव वगैरह में या भूमि में कहीं भी, तो क्या होता है,
बार होती है, बराबर होती है, और बेटे जब कुछ ऊपर कुछ नीचे तो वहां पे फसलें नहीं हो सकती। ठीक है, द एरिया इज वेल रिच इन मिनरल्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोस्टाम का वो एरिया ये बहुत ज्यादा अमीर है मिनरल मादनियात में, मिनरल रिसोर्सेज सच है जैसे कि ऑयल, तेल, कोल, कोयला, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन चूने का पत्थर, मार्बल, संगमरमर, ठीक है, एंड ग्रेनाइट। तो बेटे अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला एरिया जो फसलें तो नहीं होती है लेकिन दूसरी मादनियात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। जी क्लास, आज हमने क्या पढ़ा? ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, उसके दूसरे हैं उसके टाइम्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप एक बार खुद रीडिंग कर लीजिए और इसका सॉल्व वर्क आपको पीडीएफ में मिल जाएगा।